और ये कुछ खास खबरें देखते हैं फटाफट में। इंडियन पब्लिक एम्प्लॉयज फेडरेशन के एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर पूरे प्रदेश में राज्य कर्मचारियों ने मंगलवार को बाहों पर काली पट्टी बांधकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राज्य कर्मचारियों ने यह प्रदर्शन राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न भत्तों में की गई कटौती के विरोध में किया। कोरोना के चलते देश में चौथे चरण का लॉकडाउन 18 मई से शुरू हो गया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो इसके लिए जनपद पुलिस सड़कों पर बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई कर रही है। लॉकडाउन 4 में प्रदेश सरकार ने प्रदेश के ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ रियायतें दी हैं। आगरा में कोरोना मरीजों के लगातार मिलने से प्रदेश सरकार ने ताजनगरी को रियायतों से दूर रखा है। ताजनगरी में कोरोना के मरीजों के लगातार मिलने की वजह से जिला प्रशासन ने जिला अस्पताल के पास रोजगार कार्यालय में कोरोना मरीजों के सैंपल लेने की अलग से व्यवस्था की, जिससे जिला अस्पताल में विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीजों के इलाज में परेशानी न हो। दूरदराज से आ रहे यात्रियों को घर पहुंचाने के लिए ISBT पर रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई। मंगलवार को ISBT पर करीब 400 यात्रियों को उनके घर के लिए रवाना किया गया। ISBT पर मौजूद सवारियों की लिस्ट बनाई गई। इसके बाद जहां की सवारी थी वहां के लिए रोडवेज बसों से रवाना किया गया। चालक परिचालकों को कॉल कर बस स्टैंड पर बुलाया गया। ISBT पर मौजूद सवारियों की लिस्ट बनाई गई। इसके बाद जहां की सवारी थी वहां के लिए रोडवेज बसों से रवाना किया गया। चालक परिचालकों को कॉल कर बस स्टैंड पर बुलाया गया। ISBT पर बस के लिए पहुंचे महिला पुरुष और बच्चे गर्मी से परेशान दिखाई दे रहे थे। सुबह से बैठे यात्रियों का कहना था कि बस के लिए परेशानी हो रही है। ISBT पर भूखे प्यासे बैठे यात्रियों के लिए समाजसेवी खाने पीने का सामान लेकर पहुंच रहे हैं। यात्रियों को हर प्रकार का सामान मिल रहा है जिससे उनको परेशानी नहीं हो रही है। लॉकडाउन के चौथे चरण में सड़कों पर वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। सड़क के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन खुल गया है। भत्ते रोके जाने के विरोध में लेडी लॉयल अस्पताल में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। कर्मचारियों का कहना है कि अगर भत्ता नहीं दिया गया तो लॉकडाउन के बाद आंदोलन किया जाएगा। लेडी लॉयल में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि कोरोना वायरस से फैल रही बीमारी में कार्य कर रहे हैं, फिर भी सरकार भत्ता रोक रही है।